आज पार्टी के द्वारा सभी बिहार के सभी जिलों में अंबेडकर परिचर्चा किया जा रहा है, जिसमें पार्टी से संगठन से जुड़े तमाम लोगों को वर्तमान परिस्थिति में अंबेडकर की विचार से अवगत कराया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है और इन दोनों चुनाव के लिए तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हैं। अगर बात कर ली बीजेपी की तो बीजेपी खुद को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने में, अपने संगठन को मजबूत बनाने में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है, तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी पूरे कड़ी में राजद भी कहीं कोई कोर कसर छोड़ने के लिए नहीं तैयार है और साल 2024 की चुनाव की तैयारियां जो है वो आज से ही शुरू हो गई है। बता दें कि मुजफ्फरपुर में राजद की तरफ से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जहां राजद के तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहते हैं। इसी में राजद के तरफ से पूर्व मंत्री ऋषभ पटेल जो है वो मौजूद हैं और उन्होंने साल 2024 के चुनाव को लेकर के और बीजेपी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी यानी राजद जो है वो लोहिया, अंबेडकर और गांधी के विचारों से लैस है और हम सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध जो है काम करते हैं। बता दें कि ऋषभ पटेल ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि केंद्र में जो सरकार है वो लगातार धर्म के को लेकर के राजनीति करती है, उन्हें बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम बिहारियों के लिए काम करते हैं, हम बिहार के लिए काम करते हैं। तो देखिए, मुजफ्फरपुर पहुँचे हुए हैं ऋषभ पटेल, कार्यक्रम है उसमें वो जो है उसमें शिरकत करते हैं, राजद के जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश जो है वो राजद की तरफ से जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं ऋषभ पटेल मुजफ्फरपुर से, किस तरह से बीजेपी पर उन्होंने जोरदार निशाना साधा है, साथ ही साथ साल 2024 को लेकर के क्या राजद की रणनीति है ये भी उन्होंने कही है, क्या कुछ कहा है, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। आज पार्टी के द्वारा सभी बिहार के सभी जिलों में अम्बेडकर परिचर्चा किया जा रहा है, जिसमें पार्टी से संगठन से जुड़े तमाम लोगों को वर्तमान परिस्थिति में अंबेडकर की विचार से अवगत कराया जा रहा है और अंबेडकर जी क्या चाहते थे, कैसी देश हो, उनकी क्या परिकल्पना थी, उन तमाम बिंदुओं को जो है सो लोगों के बीच में, संगठन के लोगों के बीच में रखने का काम किया गया है। और वर्तमान हालात में जो देश में बेरोजगारी और महंगाई और जो सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, कहीं ना कहीं अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था देश का, वो उनके सपना को कुठाराघात किया जा रहा है। 2024 को लेकर मजबूत किया जा रहा है पार्टी को, निश्चित तौर पर जो नफरत का अभाव ये लोग फैला रहे हैं, आपस में लोगों को लड़ा करके देश के सत्ता पर बैठना चाहते हैं और बैठे हुए हैं, जो कहीं से भी ये लोग राष्ट्रभक्त नहीं हो, छद्म राष्ट्रभक्त का है नारा देते हैं और देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वैसे पार्टी से सचेत हो, राज्य की जनता, देश की जनता, इसी के लिए यह कार्यक्रम की गई। देखिए, ये देश सांप्रदायिक ताकतों के कब्जे में है और 24 में चुनाव होने वाला है, सारे देश की नज़र बिहार पर है और खासतर हमारे भारत हमारे राष्ट्रीय जनता दल पर है। हमारी पार्टी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को अंबेडकर, गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से लैस करना चाहती है, उनको उनका विचार उनके विचारों का अस्त्र से सुसज्जित करना चाहती है कि जो आने वाला जो चुनाव है 24 का, उस 24 के चुनाव में ये जो इस मुल्क में सांप्रदायिक ताकत है उसको हराने में, उसको इस देश से, देश को उससे मुक्ति दिलाने में, ये हमारा जो लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर और गांधी का जो विचार है ये कारगर सिद्ध हो और हम उन्हीं औजारों से इन बेईमानों को पराजित कर सकते हैं। इसी सोच के तहत सारे बिहार में ये अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से
हम उनके विचारों से अपने कार्यकर्ताओं को लैश कर रहे हैं 2024 के लिए। आप देख रहे हैं जो कार्यकर्ता ये समझ नहीं पा रहे हैं, उसी तरह जैसे चूहा को पकड़ने के लिए रोटी का टुकड़ा लगा दिया जाता है तो चूहा सोच नहीं पाता है कि मुफ्त का अनाज हमको क्यों दिया जा रहा है। ये चिड़िया जाल में चली जाती है दाना चुगने के लिए, वो सोच नहीं पाती है ये मुफ्त का दाना हमको क्यों दिया जा रहा है और वो उसमें फंस जाती है। तो हम भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं हम उनको सचेत कर रहे हैं, उनको अपने विचारों से लैस कर रहे हैं कि ये जो भ्रम फैला रहे हैं देशभक्ति का और जय श्री राम का, यह एक ढकोसला है और उससे इस देश को भ्रमित नहीं होने देना। आप वहाँ मत जाइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था सब सह लेना लेकिन इस मुल्क को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना। आज की तारीख में बाबा साहब का वही विचार आज इस देश के लिए कामयाब है और हम उन्हीं विचारों को हम अपने कार्यकर्ताओं के पास ले जाना चाहते हैं कि जो बाबा साहब चाहते थे कि इस मुल्क में कभी मनुस्मृति का संविधान नहीं लागू हो और नया मुल्क कभी हिंदू राष्ट्र बने, हम उन्हीं के विचारों से अपने साथियों को लैस करा रहे हैं।